आर्पीटेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, नए वीक की शुरुआत हो चुकी है पर अभी फिलहाल दोस्तों फेस्टिवल सीजन जा चुके हैं, ना अभी फिलहाल कोई भी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जा रहा है भारत में, यानी कि अभी फिलहाल टेक न्यूज में जो मंदी का माहौल चल रहा है। फिर भी हम आपके लिए कुछ सिलेक्टेड खबरें लेकर आ चुके हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, और ऐसा काम करने में दोस्तों मेहनत तो लगती है, तो भाई इस बात पर तो आपको जरूर से क्या करना है, लाइक कर देना है, और अगर आप चैनल पर जरूर से नए हो तो भाई आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और बस यही आपका प्यार एंड सपोर्ट आप आगे भी बनाए रखे। तो आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं वन प्लस से। भाई वन प्लस 12 सीरीज कहा जा रहा है हमें नवंबर में देखने को मिल जाएगी चाइना में, और उसके बाद ये ग्लोबली एंड एज वेल एज इंडिया में भी देखने को मिलने वाली, जहां पर वन प्लस 12R ये नाम से भारत में स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि वन प्लस 12 जो स्मार्टफोन है वो पावरफुल स्पेक्स के साथ लॉन्च किया जाने वाला है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट भी होगी, और ये जो स्मार्टफोन है वो 360 वेबसाइट पर भी आ चुका है, जहां से पता लग रहा है कि ये स्मार्टफोन में 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं वन प्लस 12 सीरीज हमें कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाती है, इस बात का इंतजार है। Vivo की बात करते हैं, Vivo X100 सीरीज जो कि बहुत ही जल्दी दस्तक देने वाली है चाइना में, भाई 13 नवंबर को लॉन्च होने वाली है। अब यहाँ पर Vivo X100 ये जो स्मार्टफोन है वो Geekbench पर स्पॉट किया जा चुका है, जहाँ से पता लग रहा है कि भाई ये स्मार्टफोन आएगा जिसमें हमें 12GB रैम देखने को मिल जाएगी, Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है, और ये स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 9300 चिपसेट की भयंकर ताकत भी देखने को मिलने वाली है। अब देखते हैं Vivo X100 सीरीज को किस कीमत पर क्या स्पेक्स के साथ लॉन्च किया जाता है चाइना में, एंड Vivo X100 सीरीज हमें कितनी ही जल्दी भारत में देखने को मिल जाती है। सैमसंग की बात करते हैं, सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा ये जो स्मार्टफोन है जिसमें हमें इस बार नई S पेन भी देखने को मिलने वाली है बहुत सारे नए फीचर्स के साथ, और ये जो S पेन है वो ब्लूटूथ SSD सर्विस वेबसाइट पर स्पॉट की जा चुकी है, और एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज 17 जेन को लॉन्च होने वाली है। अब देखते हैं S24 अल्ट्रा स्मार्टफोन में हमें इस बार क्या कुछ नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, इस बात का इंतजार। कॉर्निंग की बात करते हैं, कॉर्निंग ये जो कंपनी जो कि गोरिल्ला ग्लास को बनाती है, अब यहाँ पर काफी बड़ा अनाउंसमेंट देखने को मिल जाता है हमें कंपनी की ओर से, जहां पर उन्होंने बताया कि 2024 की शुरुआत में ही हम गोरिल्ला ग्लास का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में शुरू करने वाले, जहां पर उन्होंने बताया कि तमिलनाडु तेलंगाना जहां पर उनके दो प्लांट्स हो गए जहां पर वो गोरिल्ला ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग करने वाले। यहाँ सोचिए, यानी ये कंपनी भी भारत में आ रही है, यानी कितना बड़ा मार्केट है भारत ये यहाँ से पता लगता है, और ये जो कंपनी वो भारत में आएगी तो हमें जॉब वैकेंसीज भी देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ स्मार्टफोन के प्राइसेस भी हमें कम देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली एंड्रॉइड स्मार्टफोन के। अब देखते हैं क्या होता है, ये तो हमें आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। ग्लोबल शिपमेंट की बात करते हैं, जहां पर कौन सी स्मार्टफोन मेकर कंपनी ने सबसे ज्यादा स्मार्टफोन को ग्लोबली सेल किया हुआ है उसकी रिपोर्ट निकल कर बाहर आ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू IDC जहां पर कहा जा रहा है नंबर वन जो कंपनी है जिन्होंने सबसे ज्यादा स्मार्टफोन को सेल किया हुआ है ग्लोबली, जिसका नाम है सैमसंग जो कि नंबर वन पर लीड कर रहा है, उसके बाद आ जाता है एप्पल, उसके बाद शाओमी, फिर ओप्पो, एंड फिफ्थ नंबर पर सरप्राइजिंगली ट्रांजिशन है, जी हाँ, यानी इन्फिनिक्स टेक्नो वाले जिनके स्मार्टफोन को बाहर बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसी वजह से ये फिफ्थ नंबर पर लीड कर रहे हैं। वैसे आप अभी फिलहाल कौन सी कंपनी के स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हो कमेंट में जरूर से बताइए। क्वालकॉम की बात करते भाई, क्वालकॉम की ओर से काफ़ी अच्छी खबर सुनने को मिल रही है, जहाँ पर क्वालकॉम ने एयरटेल एंड जियो दोनों ही कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लिए, यानी कि जब 6G को लॉन्च किया जाएगा ग्लोबली वही सेम टाइम पर हमें भारत में भी 6G की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा, वाकई काफ़ी अच्छी बात है। वैसे सोचने वाली बात तो ये कि भाई VI यानी कि वोडाफोन आइडिया एंड BSNL ये जो दोनों ही कंपनीज है अभी इनके 5G के कोई भी ठिकाने नहीं है, और यहाँ पर एयरटेल एंड जियो जैसी जो कंपनी है जो कि 6G टेक्नोलॉजी को भारत में किस तरीके से कितनी जल्दी लाया जाए इसके लिए अभी फिलहाल काम कर रही है। क्या कहना है आपका इस बात पर कमेंट में जरूर से बताइए। व्हाट्सएप की बात करते भाई, व्हाट्सएप अगर आप इस्तेमाल करते हो आपके पुराने स्मार्टफोन में, कितने पुराने, अगर आपके स्मार्टफोन में अभी फिलहाल एंड्रॉयड 4.0 या 4.4 का वर्जन चल रहा है, यानी किटकैट वर्जन है, वे आपके लिए काफ़ी बुरी खबर है, जहां पर व्हाट्सएप ने ये वर्जन में से अपना सपोर्ट हटा दिया है, यानी कि आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे ये वर्जन में, और अभी फिलहाल आप एंड्रॉयड वर्जन 5.0 का इस्तेमाल करो यानी लॉलीपॉप वर्जन का, तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है व्हाट्सएप बहुत ही जल्दी अपना सपोर्ट हटाने वाला है, और अभी फिलहाल आपके पास यही एंड्रॉयड वर्जन वाला स्मार्टफोन अवेलेबल है, तो जल्दी से आपके स्मार्टफोन को आप रिप्लेस कर लीजिए जिससे आप व्हाट्सएप को चला पाओ।
जियो की बात करते हुए, जियो, एयरटेल, स्टारलिंक, ये तीनों ही कंपनी ने कहा था कि हम बहुत ही जल्दी हमारी फाइबर सर्विसेज को लेकर आएंगे। अब यहाँ पर जियो ने पूरी तरीके से बाजी मार लिए, क्योंकि जियो ने IMC में अनाउंसमेंट कर दिया जियो की अपनी खुद की स्पेस फाइबर सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी का, जहाँ पर इन्होंने मोदी जी को दिखाया, मुकेश अंबानी जी के बेटे ने, तो ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है। अब देखते हैं जियो की यही फाइबर सर्विसेज के क्या प्लान्स होते हैं और कौन से सिटीज में इसे सबसे पहले लॉन्च किया जाता है, इस बात का इंतजार है। स्कैम की बात करते हैं दोस्तों, स्कैम आजकल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जहाँ पर जो हैकर्स होते हैं वो कुछ न कुछ नए तरीके ढूंढ लेते हैं जहाँ पर किस तरीके से लोगों को ठगा जाए। अब यहाँ पर इसी तरीके से एक स्कैम निकल कर बाहर आ चुका है, जहाँ पर अगर आपको कोई भी बैंक से कॉल आता है, वो बोलते हैं कि मैं बैंक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जहाँ पर आपको कहा जाता है कॉल के दरमियान कि भाई आप एक नंबर डायल करो *401*, और ये कॉल के दरमियान ही डायल करने के लिए कहा जाता है। तो आप गलती से भी ये नंबर को डायल मत कर देना, क्योंकि आपके जो भी मैसेजेस वगैरह, जो भी आपके कॉल्स वगैरह है, वो फॉरवर्ड हो जाएंगे उनके नंबर पर, यानी कि वो इजीली आपकी सारी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स से लेकर सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। भाई एक तरीके से बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई भी इस टाइप का कॉल आता है और आपको कहा जाता है कोई नंबर वगैरह डायल करने के लिए, तो तुरंत से आपको कॉल को डिसकनेक्ट कर देना है, जिससे आपके साथ कोई भी इस टाइप का फ्रॉड ना हो पाए। काम के दिल की बात करते हैं, तो अगर आपको चाहिए एक स्मार्ट वॉच, वो भी कम कीमत में, वो भी थोड़ी अच्छी ब्रांड की, तो ये जो डील है ना, वो आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है। भाई BTXP के और सैनल BTXP अनबाउंड स्मार्ट वॉच अभी फिलहाल आपको काफ़ी कम कीमत में Amazon पर देखने को मिल जा रही है, और ये स्मार्ट वॉच के अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें, भाई 1.78 इंच की आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर भी देखने को मिल जाएगा, IP67 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी, मल्टीपल स्पॉट मोड, मल्टीपल स्मार्ट वॉच फेसेस, SPO2 मॉनिटरिंग, HR ट्रैकिंग, साथ ही साथ इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसे भी फीचर्स देखने को मिलने वाले, और एक साल की वारंटी भी देखने को मिल जाएगी। और ये स्मार्ट वॉच की अगर कीमत की बात करें, तो ये अभी आपको Amazon पर देखने को मिल जाएगी सिर्फ 1499 रुपये में। वैसे काफ़ी किलर डील है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हुए, फायर क्राई 6 ये जो गेम है, जो कि आप सभी ने खेली होगी, जो कि Ubisoft का सबसे बेहतरीन टाइटल भी है, और यहाँ पर Ubisoft ने खुद से अनाउंसमेंट किया कि भाई ये जो गेम है जिसके मिलियंस ऑफ प्लेयर है, जहाँ पर वो ऑनलाइन गेम्स को खेलते हैं, तो भाई यहाँ पर Ubisoft जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज का सपोर्ट हटा रहा है। जी हाँ, यही कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए Ubisoft की ओर से, यानी कि अब से आप फायर क्राई 6 को ऑनलाइन नहीं खेल पाओगे। और यहाँ पर अभी बात करें भाई फायर क्राई 7 गेम की, जो कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई ये अभी गेम फिलहाल डेवलपमेंट में चल रही है, यानी कि अभी एक गेम के लॉन्चिंग में काफ़ी देरी है। अब देखते हैं भाई फायर क्राई 7 ये जो गेम है, जो कि हमें कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाती है। वैसे आप हमें ये बताइए, आपकी सबसे पसंदीदा गेम कौन सी है, चाहे स्मार्टफोन की, चाहे कंसोल की, चाहे PC की, जो भी गेम आपको पसंद, कमेंट में जरूर से बताइए। तो बस आज की टेक न्यूज़ यहाँ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर आप जरूर से नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।